दोस्तों सब्सक्राइब करें INDNews हिंदी यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को दबाएं क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग T20 में आज चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच एक रोमांचक फाइनल मुकाबला खेला गया। बता दें कि इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने चेन्नई के सामने 150 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में चेन्नई की तरफ से सबसे अधिक रन ओपनिंग बल्लेबाज शेन वॉटसन ने बनाए। उन्होंने 40 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की मदद से विस्फोटक 80 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। वहीं बता दूं कि मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रन बनाए थे। इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई ने सदी शुरुआत की, लेकिन 33 रन के स्कोर पर टीम को फॉफ डुप्लेसिस के रूप में पहला झटका लगा। फॉफ तीसरे ओवर की छठी गेंद पर स्टंप आउट हो गए। इस दौरान फॉफ ने 13 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाए। इसके बाद 9.2 ओवर में चेन्नई को सुरेश रैना के रूप में दूसरा झटका लगा। युवा गेंदबाज राहुल चाहर ने रैना को LBW आउट कर चलता किया। दूसरे विकेट के लिए रैना और वॉटसन के बीच 37 रन की साझेदारी हुई थी। सुरेश रैना के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू ज्यादा देर तक पिच पर नहीं टिक पाए। 10.3 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने रायडू को विकेट के पीछे डिकॉक के हाथों कैच आउट कराकर चलता किया। इससे पहले मुंबई ने इस खिताबी मुकाबले में किरण पोलार्ड की 25 गेंदों में 41 रनों की साहसिक पारी की बदौलत मुंबई ने चेन्नई के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। पोलार्ड के अलावा मुंबई की तरफ से कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। वहीं चेन्नई की तरफ से दीपक चाहर ने सबसे अधिक 3, ताहिर और शार्दुल ने 2-2 विकेट हासिल किए। वहीं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम को क्विंटन डीकॉक और कप्तान रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए दोनों ने साथ मिलकर 45 रन जोड़े। डीकॉक ने इस मैच में 17 गेंद पर 29 रन की तेज पारी खेली, लेकिन 5वें ओवर में शॉट लगाने के प्रयास में डीकॉक विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी के हाथों आउट हुए। शार्दुल ठाकुर को उनका विकेट मिला और इसके अगले ही ओवर में दीपक चाहर ने रोहित शर्मा को भी चलता किया। धोनी ने उनका कैच पकड़ा। बता दें कि रोहित 14 गेंद पर 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तीसरे नंबर पर खेलने आए सूर्य कुमार यादव ने कुल स्कोर में महज 15 रन का योगदान दिया और 12वें ओवर में इमरान ताहिर ने उन्हें बोल्ड कर दिया। वहीं अगले ओवर में कृणाल पांड्या 7 गेंदों में 7 रन बनाकर सस्ते में चलते बने। शार्दुल ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड किया। बता दें कि अच्छी शुरुआत मिलने के बाद मुंबई की रनों की गति काफी धीमी हो गई थी। 15 ओवरों के बाद टीम का स्कोर महज 102 रन था और मैदान पर किरण पोलार्ड के साथ हार्दिक पांड्या मौजूद थे। हार्दिक पांड्या से मुंबई को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं खेल सके और वह मात्र 10 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें दीपक चाहर ने एक शानदार गेंद पर आउट किया। बता दें कि इसके बाद खेलने आए राहुल चाहर को भी इसी ओवर में दीपक ने शून्य पर आउट कर डगआउट का रास्ता दिखाया। शॉट लगाने के प्रयास में राहुल ने फॉफ डुप्लेसिस को आसान सा कैच थमा दिया, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाज किरण पोलार्ड आखिरी ओवर तक मैदान पर डटे रहे और आखिरी ओवर में 9 रन बटोरे। हालांकि चौथी गेंद पर 2 रन भागने के चक्कर में मिशेल मैगलेगन आउट हो गए।
दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आईपीएल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए आईएनडी न्यूज़।